हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्त आप जब व्हाट्सएप को जो है गूगल क्रोम में पीसी में व्हाट्सएप वेब के थ्रू लॉग इन कर यूज़ करते हैं, जब उसके बाद आप उसको लॉग आउट करते हैं तो वो लॉग आउट नहीं होता है, लोडिंग होता है, तो आप उसकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक कर यहाँ पर इनबॉक्स में आपको चेक करना है, और यहाँ पर टाइम रेंज आपको ऑल टाइम सेलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो दोस्तों यहाँ पर रिसेट सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर रिस्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप रिसेट सेटिंग पर क्लिक कीजिए, गूगल क्रोम की सेटिंग रिसेट हो जाएगी। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अबाउट क्रोम के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर चेक करना है आपके पास गूगल क्रोम अप टू डेट है या नहीं। अगर आपके पास अपडेट नहीं है तो आप इसको अपडेट कीजिए यहाँ पर से इस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास गूगल क्रोम जो है अप टू डेट है। उसके बाद आपको जो है गूगल क्रोम को क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन, तो आप यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कीजिए। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप इसको क्लोज़ कीजिए। फिर आपको जो है दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको स्क्रॉल करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस नेटवर्क सेटिंग, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मोर नेटवर्क अडाप्टर ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है, और यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। ओके के ऊपर क्लिक कर आप जो है यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी को रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।